हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के एक और फ्रेश वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं मोमेंट ऑफ स्टडी। आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान दर्पण मई 2020 का करंट अफेयर्स और स्मरणीय तथ्य लेके आया हूं, जो कि आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर स्मरणीय तथ्य दिए गए हैं, साथ ही करंट अफेयर्स में क्या क्या दिया गया है समान ज्ञान दर्पण मई 2020 अंक में। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल बटन को दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले है यहाँ पर नियुक्तियां। विमल जुल्का भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त होंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के मध्य प्रदेश कैडर के सेवानिवृत्त अधिकारी विमल जुल्का भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। जावेद अशरफ फ्रांस में भारत के नए राजदूत होंगे। नवंबर 2016 में सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त रहे भारतीय विदेश सेवा के जावेद अशरफ अब फ्रांस में भारत के नए राजदूत फरवरी 2020 में नियुक्त किए गए हैं। भास्कर खुलबे व अमरजीत सिन्हा प्रधानमंत्री के सलाहकार नियुक्त। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी भास्कर खुलबे व अमरजीत सिन्हा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार फरवरी 2020 में नियुक्त किए गए हैं। दोनों ही प्रशासनिक सेवा के 1983 बैच के अधिकारी थे। प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में उनकी नियुक्ति फिलहाल 2 वर्षों के लिए की गई है। अब है पुरस्कार और सम्मान। बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 के पुरस्कार 20 फरवरी से 1 मार्च 2020 को जर्मनी के बर्लिन में संपन्न 70वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन बियर पुरस्कार ईरानी निर्देशक मोहम्मद रसूलोफ द्वारा निर्देशित फिल्म देयर इज नो एविल के लिए दिया गया। 65वें फिल्म फेयर पुरस्कारों के तहत गलीब वाय को रिकॉर्ड 13 पुरस्कार। वर्ष 2019 में प्रदर्शित भारतीय फिल्मों के लिए 65वें फिल्म फेयर पुरस्कारों का वितरण गुवाहाटी में 15 फरवरी 2020 को किया गया। जोया अख्तर द्वारा निर्देशित फिल्म गलीब वाय को इनमें दबदबा रहा सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ निर्देशक व सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री अमृता सुभाष के अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले डायलॉग व सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक एल्बम के पुरस्कार इनमें शामिल है। इसी फिल्म के गीत अपना टाइम आएगा के लिए डिवाइन व अंकुर तिवारी को सर्वश्रेष्ठ गीतकार व का पुरस्कार दिया गया। फिल्म गलीब वाय को इस वर्ष 19 विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार हेतु नामांकित किया गया था। फिल्म गलीब वाय में भूमिका के लिए रणवीर सिंह को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का तथा आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इन पुरस्कारों के तहत दिया गया। क्रिटिक्स च्वाइस के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अनुभव सिन्हा द्वारा निर्देशित फिल्म आर्टिकल 15 को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता व सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार क्रमशः आयुष्मान खुराना तथा भूमि पांडेकर व तापसी पन्नू को मिले। सर्वश्रेष्ठ डेब्यू डायरेक्टर का पुरस्कार आदित्य धर को फिल्म उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए मिला, जबकि सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेता का पुरस्कार अभिमन्यु दासानी फिल्म मर्द का दर्द नहीं होता व डेब्यू अभिनेत्री का पुरस्कार अनन्या पांडे स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 को दिया गया। फिल्म गलीब वाय में भूमिका के लिए सिद्धांत चतुर्वेदी व अमृता सुभाष को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता व अभिनेत्री के पुरस्कार दिए गए। फिल्म गलीब वाय के गीत अपना टाइम आएगा के लिए डिवाइन व अंकुर तिवारी को सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार दिया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार अरिजीत सिंह को कलंक नहीं तथा पार्श्व गायक का पुरस्कार शिल्पा राव को फिल्म वार के लिए गीत घुंगरू के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ पटकथा सिनेमाटोग्राफी प्रोडक्शन डिजाइन संवाद व बैकग्राउंड स्कोर के लिए पुरस्कार फिल्म गलीब वाय के लिए
दिया गया। सर्वश्रेष्ठ एक्शन के लिए फिल्म वार को, सर्वश्रेष्ठ संपादन के लिए उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक को तथा सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए फिल्म कलंक को फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। सुपरस्टार गोविंदा को एक्सीलेंस इन सिनेमा के लिए तथा निर्माता निर्देशक रमेश सिप्पी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इन पुरस्कारों के तहत सम्मानित किया गया। जिनका निधन हो चुका है, हुस्नी मुबारक, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक का काहिरा में 25 फरवरी 2020 को निधन हो गया। वह 91 वर्ष के थे। 1981 में तत्कालीन राष्ट्रपति अनवर सादात की हत्या के पश्चात वह राष्ट्रपति बने थे तथा 9 वर्ष पूर्व 2011 में जन विद्रोह एवं प्रदर्शनों के बीच सेना ने उन्हें सत्ता से हटा दिया था। इस प्रकार 1981 से 2011 के दौरान 30 वर्षों तक वह मिस्र के राष्ट्रपति रहे थे। सत्ता के दुरुपयोग एवं प्रदर्शनकारियों की हत्या कराने के मामले में आजीवन कारावास की सजा मिस्र की एक अदालत ने जून 2012 में उन्हें सुनाई थी। बाद में मार्च 2017 में उन्हें जेल से रिहाई मिल गई थी। जोगिंदर सिंह सैनी द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता एथलेटिक कोच जोगिंदर सिंह सैनी का 90 वर्ष की आयु में 1 मार्च 2020 को पटियाला में निधन हो गया। 1970 के दशक में भारत की एथलेटिक्स टीम के राष्ट्रीय कोच वह नियुक्त किए गए थे। हंसराज भारद्वाज वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री हंसराज भारद्वाज का 83 वर्ष की आयु में 8 मार्च 2020 को नई दिल्ली में निधन हो गया। 2004 से 2009 के दौरान वह केंद्र सरकार में विधि व न्याय मंत्री रहे थे। बाद में 2009 में उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया। चर्चित व्यक्ति में मारिया शारापोवा, 32 वर्षीय टेनिस स्टार मारिया शारापोवा ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा 26 जनवरी 2020 को की है। विश्व में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों में गिनी जाने वाली मारिया शारापोवा 5 ग्रैंड स्लैम एकल खिताबों की विजेता रही है। इनमें विंबलडन 2004 ईस्वी में जीती है, अमेरिकी ओपन 2006 में व ऑस्ट्रेलियन ओपन 2008 तथा फ्रांसीसी ओपन 2012 और 2014 में शामिल है। अलग अलग समय में 5 बार विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी रह चुकी मारिया शारापोवा, यद्यपि रूसी खिलाड़ी के तौर पर ही पेशेवर टेनिस खिलाड़ी में खेलती रही है। 1994 से वह अमेरिका में ही रह रही थी। दिवस है पखवाड़ा सप्ताह और वर्ष फरवरी 2020 संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी, सामाजिक भेदभाव दूर करने तथा समानता लाने के उद्देश्य से 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में किया गया था। अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम के स्टेटहुड दिवस 20 फरवरी, अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1987 को दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, बांग्लादेश के भाषा आंदोलन दिवस 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में स्वीकृति यूनेस्को द्वारा 17 नवंबर 1999 को प्रदान की गई। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी, 24 फरवरी 1944 को सेंट्रल एक्साइज एंड साल्ट एक्ट लागू होने के परिप्रेक्ष्य में प्रति वर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सीवी रमन द्वारा अपने प्रसिद्ध रमन प्रभाव जिसके लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 में प्रदान किया गया की खोज 28 फरवरी 1928 को की गई थी। इसी उपलक्ष्य में भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पर मार्च 2020 से विश्व वन जीव दिवस 3 मार्च, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 3 मार्च को विश्व वन जीव दिवस के रूप में मनाने का फैसला 20 दिसंबर 2013 को अपने 68वें सत्र में किया था। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। यहाँ पर है पुस्तक द रूम वेयर एंड हैपेंड ये व्हाइट हाउस मेमोर, इसके लेखक है जॉन बोल्टन जो कि हाल ही में
लिखे गए। बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स के लेखक है मोन्टेक सिंह आहलूवालिया। ये 2020 को प्रकाशित हुआ है 15 फरवरी को। इसके बाद आपको मेड इन इंडिया, ये मेमोर मिलिंद सोमेन एवं रूपा पई। अब है यहाँ पर दोस्तों समसामयिक महत्वपूर्ण तथ्य जो कि करंट अफेयर्स का ही भाग है और सारे करंट अफेयर्स यहाँ पर दिए रहते हैं, इसलिए आप लोगों को इसे एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से दिए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस बीमारी को विश्वव्यापी महामारी पैंडेमिक ने 11 मार्च 2020 को घोषित किया है? COVID-19, इसे कोरोना भी कहा जाता है, COVID-19। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पूर्व राज परिवार के किस सदस्य ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता 11 मार्च 2020 को प्राप्त कर ली? ज्योतिरादित्य सिंधिया। महिला एक दिवसीय विश्व कप 2021 का आयोजन कहां होगा? न्यूजीलैंड में। मुंबई में फरवरी 2020 में आयोजित भारत की मिस दीवा 2020 प्रतियोगिता में किस सुंदरी को मिस दीवा चुना गया? एडलिने कैस्टेलिनो। आईसीसी T20 महिला क्रिकेट विश्व कप के मार्च 2020 में ऑस्ट्रेलिया में खेले गए फाइनल मैच में भारत की टीम को हराकर कौन चैंपियन बना? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस प्राइवेट बैंक में वित्तीय अनियमितताओं के कारण इसके प्रबंधकीय बोर्ड को भंग कर प्रशासक की नियुक्ति मार्च 2020 में की? यस बैंक। हॉकी इंडिया के तीसरे वार्षिक पुरस्कारों का वितरण 8 मार्च 2020 को किया गया जिसमें वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एवं महिला खिलाड़ियों का पुरस्कार क्रमशः किसे प्राप्त हुआ? मनप्रीत सिंह एवं रानी रामपाल। भारतीय सिनेमा के अभिनेता इरफान खान की असीम छाबरा द्वारा लिखित जीवनी किस शीर्षक से प्रकाशित हुई है? इरफान खान द मैन द ड्रीमर द स्टार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में कार्यक्रम नमस्ते ट्रंप अहमदाबाद के किस स्टेडियम में 24 फरवरी 2020 को आयोजित किया गया था? मोटेरा स्टेडियम, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम भी कहा जाता है। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को लगातार तीसरी बार स्पोर्ट्स चैनल ESPN इंडिया अवार्ड्स का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी 2019 का पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा फरवरी 2020 में की गई? PV सिंधु। बायकॉन कंपनी की प्रबंध निदेशक किस भारतीय महिला उद्यमी को EY का एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड देने की घोषणा फरवरी 2020 में की गई है? किरण मजूमदार सौ। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन AFC महिला एशियन फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहां होगा? भारत में। पहली बार मुंबई से बाहर गुवाहाटी असम में फरवरी 2020 में आयोजित फिल्म फेयर पुरस्कार वितरण समारोह में रिकॉर्ड सर्वाधिक 13 पुरस्कार किस फिल्म को प्राप्त हुए? गली बॉय। जर्मनी के 70वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 में निर्देशक मोहम्मद रासूलोफ द्वारा निर्देशित किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन बियर पुरस्कार दिया गया? देयर इज नो एविल। भारत के किस पूर्व क्रिकेट स्टार को बर्लिन में फरवरी 2022 में वितरित किए गए लोरियंस विश्व खेल पुरस्कारों में स्पोर्टिंग मूवमेंट 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया? सचिन तेंदुलकर। लोरियंस विश्व खेल पुरस्कारों में पहली बार वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ियों का पुरस्कार फरवरी 2020 में संयुक्त रूप से किन दो खिलाड़ियों को प्रदान किया गया? लुइस हैमिल्टन। फॉर्मूला एक रेस के लिए लियोनेल मेसी फुटबॉल के लिए। भारत व ब्रिटेन की सेनाओं का 5वां संयुक्त अभ्यास
किस नाम से ब्रिटेन में सेलिसबरी में फरवरी 2020 में संपन्न हुआ? अजय वाड़ियार। रूस की ओर से खेलने वाली एवं 5 ग्रांड स्लैम एकल विजेता किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने 26 फरवरी 2020 को पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? मारिया शारापोवा। अफगानिस्तान में 28 सितंबर 2019 में संपन्न निर्वाचन एवं 18 फरवरी 2020 को घोषित निर्वाचन के परिणाम के अनुसार कौन पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? अशरफ गनी। ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने 21 फरवरी 2020 को जोहान्सबर्ग में मेजबान दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 13वीं हैट्रिक बनाई? एस्टन एगर। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जुलाई से अगस्त 2020 में कहाँ आयोजित किए जाएंगे? टोक्यो में, जापान में। कोरोना वायरस डिजीज COVID-19 या नोवल कोरोना वायरस सर्वप्रथम नवंबर से दिसंबर 2019 में कहाँ पाया गया? चीन के वुहान शहर में। अमेरिका ने तालिबान संगठन से समझौता 29 फरवरी 2020 को किस देश में शांति स्थापित करने के लिए किया है? अफगानिस्तान में। लखनऊ, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई के बीच IRCTC के अधीन कौन सी तीसरी कॉरपोरेट तेजस रेलगाड़ी 16 फरवरी 2020 से संचालित की गई है? काशी महाकाल एक्सप्रेस वाराणसी से इंदौर के बीच। दोस्तों, ये था सामान्य ज्ञान दर्पण मई 2020 का अंक, जिसका समसामयिक महत्वपूर्ण तत्व मैंने आप लोगों के सामने पेश किया। उम्मीद है कि आगे भी मैं आप लोगों के साथ इसी तरह से सामान्य ज्ञान दर्पण हो और भी करंट अफेयर्स का लेकर के सार संग्रह का लेके आऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और घर में रहिए।